आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का जो हमने एक्सरसाइज देखी थी उसके बाद है कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको पीडीएफ से सारे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर जो 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज थी उसके कुछ क्वेश्चन से, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और कुछ क्वेश्चन आप कर से पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ को देख करके। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ सेकंड, देखना अपने बुक के अंदर। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स अपने पास में, पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो आपके पास में वैक्टर बनेगा पी क्यू, उस पी क्यू वैक्टर से आपको क्या करना है कि आपका जो पी पॉइंट है और आपका जो क्यू पॉइंट्स है इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, जैसे पी से क्यू तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो पी और क्यू आपके पास में दो पॉइंट्स हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो पी क्यू वैक्टर बन रहा है उस पी क्यू वैक्टर की दो वैल्यू फाइंड करनी है, स्केलर कंपोनेंट मतलब विदाउट आई जे के वाली वैल्यू और वैक्टर कंपोनेंट विद आई जे के की वैल्यू। तो अगर पी क्यू वैक्टर निकालना होगा तो पी क्यू वैक्टर कैसे निकालेंगे, क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर, q माइनस पी करते हैं तो पी क्यू वैक्टर निकलता है। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, q वैक्टर माइनस पी वैक्टर करके। तो q के कोऑर्डिनेट थे x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना। आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 हो जाएगा, और आपके पास में आप देख सकते हैं इसको, ये x2 माइनस x1 हो गया है। तो ये आपके पास में ये x2 माइनस x1 आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो आपके पास में स्केलर कंपोनेंट्स तो है, जो विदाउट x वाली वैल्यू जो होती है उसको स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो हमने स्टूडेंट्स स्केलर कंपोनेंट निकाल दिया, वेक्टर कंपोनेंट भी हमने आपके पास में हमने देखा कि जो स्केलर कंपोनेंट है वो आपके पास में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है। आपके पास में आपका जो वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट बेसिकली आपके पास में स्टूडेंट्स जो आपके वेक्टर के साथ में x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप है। तो स्केलर कंपोनेंट तो वो हो गया जो विदाउट आई जे के साथ में आएगा, और वेक्टर कंपोनेंट वो हो गया जो आई जे के साथ में आएगा। तो ये थी अपना सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको क्या करना था स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चंस के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ, देखो जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको करने हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस मैं अगर नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो इसका मतलब वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर ए एंड वैक्टर बी वैक्टर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रिजल्टेंट आपको लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, तो जो रिजल्टेंट है ना स्टूडेंट्स, जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर है तो, और सी वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट किसको कहेंगे, रिजल्टेंट का मतलब हो जाएगा आपके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट के पैरेलल आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। आई बात समझ में, कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का एक वेक्टर फाइंड करो जो इस रिजल्टेंट के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिसके डी आरस का जो रेशियो होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा या फिर एग्जैक्ट सेम होते हैं, उनको पैरेलल कहते हैं, मतलब डी आरस का रेशियो सेम हो जाता है। तो अपने पास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो स्टूडेंट्स देखें तो हमने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट का नाम क्या रख दिया, सी वेक्टर, जैसा कि पेपर ने देखा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को सम कर दिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया हमने जो √10 आ गया। अगर सी कैप निकालना है तो आपके पास में सी कैप कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपके पास में सी कैप, सी कैप आपके पास में क्या हो गया, दैट इज ये आपका सी कैप हो गया। तो आपको याद हो तो अपने पास में एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो आपके पास में क्या करना है, उसका क्या निकालोगे आप, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो भी आया है उसको आपको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा आपका वेक्टर कितना आया, 15/10, 15/√10 i कैप और 5/√10 j कैप। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, आप इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसको रेसलेशन भी कर सकते हैं, रूट 10 से मल्टीप्लाई रूट 10 से डिवाइड, तो आपका फाइनल आंसर आपके बुक का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा मैं पढ़ रहा हूँ बुक से, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसके टू एडजेसेंट साइड ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i-4j + 5k कैप एंड सेकंड आपके पास इसका नाम अपने बी वेक्टर रखा है आई कैप माइनस 2j माइनस 3k कैप है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो बेटा अब आपके पास में बात करेंगे, ये क्वेश्चन अपने पास में कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ये बेटा अपना पैरेललोग्राम है ना, ये आपके पास में पैरेललोग्राम है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो ये आपका पैरेललोग्राम है समझना, और ये है इसका एक डायगोनल जो हमने ड्रॉ किया। तो आपके पास में बेटा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एडजेसेंट साइड की बात करेंगे तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल आपको क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड द टू एडजेसेंट साइड ए वेक्टर पैरेललोग्राम दिस 2i-4j + 5k एंड आई कैप माइनस 2j माइनस 3k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले इसके पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमने कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये वेक्टर निकल जाएगा, इसके पैरेलल का मतलब इसी का क्या फाइंड कर देंगे अपन, यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे, तो इसका नाम अपन सी वेक्टर रख देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो निकलेगा उसका कैप फाइंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखो हमने सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल दिया जो कि ये आ गया है, हमने मॉडुलस भी निकाल दिया जो कि 7 आ गया है, हमने कैप फाइंड किया, तो इस वेक्टर जो डायगोनल था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या निकल गया आपके पास में, एक यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल भी होगा उसका भी ऐसा कैसा रहेगा, तो आपके पास में ये जो निकल गया आपके पास में ये क्या हो गया इसका डायगोनल, वो भी क्या क्या हो गया आपके पास में यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर हो गया इसके डायगोनल का, डायगोनल कौन था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। अब अपने पास में क्या है, अब इन्होंने कहा कि आपके पास में इसका आप एरिया भी फाइंड करो, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास में क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं सभी को पता है, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करें, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं, पहले के आई ए को लिखते हैं बी को लिखते हैं और आई जे के उसके क्या आ जाते हैं कंपोनेंट आ जाते हैं। तो फिर हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया, ये आपके पास में हमने इसको एक्सपांड किया, सभी बच्चों को डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना आता ही है ना, सब बच्चे जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं, इसकी बारी तो 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से इसका मल्टीप्लाई से, फिर जे की बारी आ जाएगी, फिर के की बारी आ जाएगी, तो आपका ये डिटर्मिनेंट आएगा इसलिए, तो आपके पास में बेसिक चैप्टर नंबर 4 का डिटर्मिनेंट आपने एक्सपांड कर दिया। अब एरिया पैरेललोग्राम निकालना है तो जो वेक्टर आया उसका क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड, तो 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर दैट इज 60 रूट ऑफ 605 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर, तो ये निकल गया आपके क्या पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 15 में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू आपके पास में लिखी हुई है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, तो अपने को निकालना है कि इसमें जो दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अपने पास में इफ एंड इफ ओनली A and B vector are perpendicular, then given A vector is not equals to zero vector and B vector is not equals to zero vector. ये कह रहा है कि A vector और B vector perpendicular है, अगर स्टूडेंट्स दो vector perpendicular है तो इसका मतलब theta कितना हो गया 90 degree, दो vector perpendicular तो theta कितना हो गया, theta 90 degree हो गया, अगर दो vector perpendicular है तो दो vector perpendicular है तो स्टूडेंट्स theta 90 degree हो गया अपना, ओके तो अपन जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखेंगे अपने पास में हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, किसका डॉट प्रोडक्ट किया है अब अपन देखेंगे, किसका डॉट प्रोडक्ट किया है हमने, हम जानते हैं कि ए डॉट अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कराए तो क्या आएगा, ए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या कहेंगे आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये ए डॉट ए हो गया। अब ए डॉट बी को क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए को क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना, इसने कहा था कि थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 90 है, थीटा आपका कितना है स्टूडेंट्स थीटा 90 है। अब थीटा 90 है स्टूडेंट्स आपका, तो आपके पास में कॉस थीटा 0 हो गया, ए 0 हो गया और ये भी कितना हो गया 0 क्योंकि कॉस 90 0, तो ये तो आपके पास में 0 हो गया और ये भी कितना हो गया 0 बचा कौन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया आपके पास में दैट इज़ ए स्क्वायर
प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि अपनी क्या है राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास है क्वेश्चन नंबर एट है ना, कुछ क्वेश्चन अपने पास है प्रीवियस भी। क्वेश्चन नंबर एट जो है आपके पास में उसको आपको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर एट को, कि क्वेश्चन नंबर एट में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर एट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट को क्या करना है, कि क्वेश्चन नंबर एट में पढ़ता हूँ, देखेंगे आपके बुक में क्वेश्चन नंबर एट। शो दैट द टू पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ये बताना है कि जो तीन पॉइंट्स हैं आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों के तीनों क्या है कोलिनियर, मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, ये आपको बताने हैं पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है जो बी है वो ए सी को क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। इन विच रेशियो, कौन से रेशियो के अंदर आपके पास में डिवाइड करना है, तो ये जो रेशियो है एम रेशियो एन बी का, उससे डिवीजन का रेशियो आपको निकालना है। ओके वेक्टर से निकालना है आपको है ना, वेक्टर का क्वेश्चन, इसलिए वेक्टर के प्रोसीजर से करना है। तो सबसे पहले अपने पास में आपने ए बी वैक्टर निकाला, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर करके, आपने बी सी वैक्टर निकाला सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर कर करके, और आपने ए सी वैक्टर निकाला ए वैक्टर माइनस सी वैक्टर करके, तो आपके पास में ये वैक्टर निकाल दिए। तो आपने एक फिर ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर आ गया, तो आपके पास में आपने क्या किया कि ए वेक्टर, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और ए सी का क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब क्या होगा, सभी लोग जानते हैं कोलिनियर की कंडीशंस की ए बी प्लस बी सी जी कॉस्ट टू ए सी हो तो हम कहेंगे कोलिनियर है आपके पास में, अदरवाइज नहीं करेंगे आपके पास में। तो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो बी पॉइंट है वो, मतलब कुछ इस तरीके से जो बी पॉइंट है वो ए और सी को कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपके पास में आपको सीधा करना है कि जो ए बी अपॉन बी सी, जो ए बी आपके पास में है वो अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू आपके पास में एम रेशियो एन है ना, ए बी अपॉन बी सी करेंगे तो एम अपॉन एन कर देंगे, तो ए बी अपॉन बी सी करेंगे मैग्नीट्यूड तो एम अपॉन एन, आपके पास में ए बी की वैल्यू 2√14 और आपके पास में बी सी की वैल्यू 3√14, आपके यहाँ से √25 √56 अपॉन √126, तो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2:3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इस तरीके से आप उसका रेशियो भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं है ना, कि कौन से रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का यूनिट वेक्टर लिखो मेकिंग अ 30 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक आपका वेक्टर है ना एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो प्लेन है दैट्स कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर क्या करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास है 1 है। मैग्नीट्यूड 1 क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आप जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ये कह रहा है आपके पास में कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना और एक्स वाई प्लेन के अंदर है मेकिंग अ 30 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर पास में एक्स एक्सिस के साथ में अगर कोई वैल्यू बनती है तो उसके कंपोनेंट लेते हैं ना, सभी स्टूडेंट्स को पता है कंपोनेंट आपके पास में, तो कंपोनेंट लेते हैं, तो इस पी का एक्स एक्सिस के आपके पास में इस आर का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, जिधर एंगल बनता है उसके साथ होता है कॉस थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है मतलब कॉस थीटा का जो परपेंडिकुलर होता है आपके पास में वो होता है साइन थीटा, तो आर साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और r cos थीटा बेस वाला कंपोनेंट होता है, तो r cos थीटा और r sin थीटा आपके दो कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स, तो आपको कंपोनेंट कैसे लेने, यहाँ पे r है ना, यहाँ पे आपके पास में r है और ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो कंपोनेंट x एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है r cos थीटा ओके, और y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है आपके पास में y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है आपका स्टूडेंट्स दैट इज़ अ आर साइन थीटा है ना, इधर तो कंपोनेंट हो गया आपका इस आर के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड होता है उसके रेस्पेक्ट में, इधर तो कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा है ना, ये दो कंपोनेंट होते हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो थीटा आपके पास में गिवन स्टूडेंट्स कितना 30, तो आर कॉस 30 और आर साइन 30 की वैल्यू, तो ये जो पॉइंट्स होंगे इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अब एक्स नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आर कॉस 30 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर साइन 30, तो एक्स कॉस आर कॉस 30, आर कितना है आर बेसिकली 1 है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 कॉस 30 और कॉमा 1 साइन 30, तो 1 कॉस 30 कितना कॉस 30 √3/2 और साइन 30 कितना आपके पास 1/2, तो जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं √30/2 और 1/2, तो अब इसका वेक्टर बनाना है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो √3/2 प्लस 1/2 जे कैप, ये वो कितना आपका आपके पास में वेक्टर दैट कॉल्ड अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच इज लाइंग इन द एक्स वाई डायरेक्शन एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
है ना, समझना क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। एक आपके पास में यहाँ पे एक गर्ल है जो 4 किलोमीटर वेस्ट में जा रही है आपके पास में, है ना। ये आपके पास में वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, एस, है ना। ये कह रहा है कि यहाँ से एक गर्ल है जो 4 किलोमीटर जा रही है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ये यहाँ तक आगे कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की उसने यहाँ से यहाँ तक, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अब क्या होगा, अब क्या किया उसने, एंड सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ नॉर्थ है, ऑफ नॉर्थ समझना, ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ। तो हमने ये पढ़ा था कि जिसके साथ में ऑफ होगा उसके साथ में एंगल बनाया था। ये क्या कर रही है कि यहाँ से 4 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ। अब वो यहाँ से क्या कर रही है कि 3 किलोमीटर चल रही है कहाँ पे, आपके पास में ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चली, पॉइंट क्यू तक पहुँच गई। सबसे पहले यहाँ से लेकर के ओरिजिन से लेकर के वो इस पॉइंट वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चली, फिर यहाँ से नॉर्थ के साथ में एंगल बनाते हुए 30 डिग्री का वो चली आपके पास में 3 किलोमीटर। ये यहाँ क्यू तक पहुँच गई। अब क्या करना है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर पॉइंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करना है कि जो पी क्यू है आपके पास में ओ से लेकर के क्यू तक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आपको जो ओ क्यू है ये फाइंड करना है कि ओ क्यू कितना है, आई बस समझा। तो ओ क्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास में ओ के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, आपको अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो आप ओ क्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के क्यू के पॉइंट्स, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट्स लाइक करेगा तो एक्स तो माइनस होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स तो आपके पास में हो गया है माइनस और वाई क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। अब देखो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना होगा, यहाँ से लेकर के इतना, सीधी बात है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और वाई एक्सिस कितना होगा, यहाँ से लेकर के इतना, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू आपको मिल जाए और ये वाली वैल्यू मिल जाए तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं माइनस एक्स कोमा वाई, फिर यही तो होगा एक्स माइनस वाला और यही तो होगा वाई। तो अगर ये जो वैल्यू मिल जाए तो फिर ये तो अपन निकाल सकते हैं फिर, है ना। अपने पास में देखो, तो हमने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गर्ल्स 4 किलोमीटर चली थी, तो हमने कहा कि इस पॉइंट तक आने के लिए उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 4 माइनस एक्स बचेगी भैया, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 4 माइनस एक्स बचेगी, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के साथ में, तो ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, आई बात समझ में। ये अगर 30 है स्टूडेंट्स, ये अगर 30 है तो इधर कितना बचा, इधर बचा 60। तो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कंपोनेंट लिए थे, ये कितना, ये 3 है जो आर था अपना, 3 था, तो 3 cos 60 तो 4 माइनस एक्स के बराबर, और 3 sin 60 इस वाई के बराबर, ये वाई तो है, ये वाई एक्सिस तो होता है, इस वाई के बराबर कितना है, 3 sin 60, है ना। और 4 माइनस एक्स इसके बराबर हो गया, ये 4 माइनस एक्स बराबर हो गया 3 cos 60 के, कंपोनेंट लिए थे, और ये जो y है यही तो y है, और ये y किसके बराबर हो गया, ये हो गया 3 sin 60 के, है ना। अभी तो कंपोनेंट लिए थे अपन ने कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट x है cos है, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, y है, तो हमने इसके कंपोनेंट लिए। देख लीजिए, तो इन ट्रेंगल PQR, है ना, PQR में आप देखेंगे, PQR ट्रेंगल कहाँगे आपका, ये रहा इन ट्रेंगल PQR, है ना, PQR ट्रेंगल के अंदर, ये आपका पॉइंट P है, इन पी क्यू आर ट्रेंगल के अंदर अपन देखेंगे तो आपके पास में cos 60 के अंदर अपन ने कंपोनेंट ले लिया है, तो आपके पास में दैट इज़ अ 3 cos 60 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो आपके पास में ये 3 cos 60 तो 4 माइनस एक्स, तो cos 60 कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। तो आपके पास में वैल्यू पुट कर दी तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया आपका 5/2। सेम sin 60, तो अपन ने देखा था कि sin 60 किसका, आपके पास में 3 sin 60 इक्वल टू वाई था, तो ये था ना कितना कंपोनेंट, 3 sin 60 इज इक्वल टू कितना वाई, तो sin 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। तो अपने पास में वाई निकल गया आपका, ये कितना 3√3/2, और एक्स निकल गया था आपका माइनस का 5/2। तो आपके पास में माइनस क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। अब ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू आपने निकाल दिया, ये रहा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, तो ओ क्यू भी निकल गया आपके पास में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपको क्या करना था कि पहले
इसके इस तरह से 4 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर, 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ में, तो इधर हो गया 60, इधर वाला कंपोनेंट, और आपके पास में ये वाई है तो ये भी वाई है, ये भी वाई, भी तीनों वाई परपेंडिकुलर टू सारी डिस्टेंस वाई रही, एक्स माइनस वाई आपका कोऑर्डिनेट हो गया, तो एक्स की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, वाई की वैल्यू निकाल दी इस कंपोनेंट से, एक्स और माइनस वाई यहाँ पुट कर दिए, दोनों के बीच में वेक्टर फाइंड कर दिया, आपका काम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्स ब्रैकेट के अंदर आई प्लस जे प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, है ना। ये कह रहा है कि ये जो पूरा है आपके पास में ये एक यूनिट वेक्टर है ना, तो आपके पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो कि अगर ये एक यूनिट वेक्टर, तो ये कह रहा है कि एक्स मल्टीप्लाई आई प्लस जे प्लस के आपके पास में एक यूनिट वेक्टर है, तो आप बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपके पास में एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई जे कैप, ये सब आपके पास में आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द रूट 3x स्क्वायर हो गया। ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो रूट 3x स्क्वायर इज अ 1, तो आपके पास में यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है भैया, यूनिट वेक्टर तो वैल्यू तो 1 है, यूनिट वेक्टर तो वैल्यू 1 है, रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास में रूट प्लस माइनस रूट 3x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 1 अपॉन रूट 3 आपके पास में एक्स की वैल्यू निकलेगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो अच्छे से। सिक्स नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर ऑफ, आपके पास में ये तो अपन ने कर ही लिया है, सिक्स क्वेश्चंस कर ही लिया अपन ने, है ना, आपके पास में 5 से मल्टीप्लाई करना था। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, है ना। आपके पास में ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, इसके पैरेलल कौन 2a वेक्टर, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब इसी का आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। जब भी पैरेलल की बात करें, जिस वेक्टर का पैरेलल है मतलब उसी का यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है ना, उसी का वेक्टर ही आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो a वेक्टर आपके पास में i प्लस j प्लस k हैं, b वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3k है, और c वेक्टर i माइनस 2j प्लस kk पे आपके पास में ये 3 वेक्टर। अब देखो d वेक्टर कितना, 2 आपके पास में 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसके पैरेलल इस d वेक्टर के पैरेलल, इस d वेक्टर के पैरेलल स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है क्या, यूनिट वेक्टर। तो पहले d वेक्टर की वैल्यू पुट कर ली हमने, a की वैल्यू पुट कर ली, b की वैल्यू पुट कर ली, c की वैल्यू कैलकुलेट करके ये आपका वेक्टर आ गया 3i माइनस 3j प्लस 2k के। अब क्या करना है आपको, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ d इज इक्वल टू √9 + √9 + 4, दैट इज 22 रूट, आपके पास में 22 आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपके पास में क्या होगा, डी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टी, तो दैट इज योर डी वेक्टर, डी कैप, डी कैप क्या हो जाएगा, जो आपके पास में 2i प्लस था ना, जिसके पहले आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, कितना आपके पास में था 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, भाई 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर, मतलब इसी का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो इसी का यूनिट वेक्टर आपने फाइंड कर दिया, ये हो गया आपका काम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर यूक्लिड इंक्लाइंड विद द ox oy और oz, ये ना ये कह रहा है कि ox oy और oz, क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ सकते हो, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, आप क्वेश्चन बुक में देखेंगे, है ना, कि ये कह रहा है कि ox oy और oz के आपके पास में अगर एक, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ में इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 और 1/√3 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आप देख सकते हो एक वेक्टर है वो आपके पास में एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस के साथ में जेड एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब इनके जो अल्फा बीटा और गामा एंगल है इक्वली इंक्लाइंड का मतलब उनके जो इक्वली इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइड का मतलब इनके बीच में जो बनने वाले एंगल है वो क्या है, वो इक्वल है। इक्वली इंक्लाइड का मतलब इनके जो बीच में बनने वाले एंगल है वो क्या है, इक्वल है, वो दैट्स कॉल्ड इक्वली इंक्लाइड, है ना, वो इक्वली इंक्लाइड। अब देखना, इसने ये कहा कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है। अल्फा बीटा गामा स्टूडेंट्स अगर इक्वल है, इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि भी अल्फा बीटा गामा थे इनके। हम जानते हैं कि आपके पास में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज अ रिलेशन फॉर डायरेक्शन कोसाइन। सभी को पता है डायरेक्शन कोसाइन जब अपन ने पढ़े थे, रिलेशन हमने लिखा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना 1 है, ठीक है। तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा
ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आपके पास में ये हो गया। अब देखो अब आपके पास में क्या डिसीज कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3, 1 प्लस प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, जो भी अपना क्या हो गया आंसर, यही तो शो करना था स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देन ट्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि अगर ये है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी ऐसा ही होगा, ट्रू और फॉल्स ये बताना। तो हमने क्या कहा कि बी वेक्टर हमारा कुछ ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड √6 है और हमारे पास में सी वेक्टर है आपके पास में ये जिसका मैग्नीट्यूड कितना है √6 है, और ए वेक्टर आपके पास में ऐसा है रूट जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास में ये है। ए वेक्टर कहाँ से निकला है, इन दोनों के सम से निकला है, है ना, इन दोनों का सम किया हमने प्लस किया तो बस ए वेक्टर निकल गया। तो अपने पास में इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, मे बी कभी कभी ट्रू हो सकता है बट नॉट ऑलवेज ट्रू, जो नॉट ऑलवेज ट्रू होता है वो कंडीशन हमेशा क्या रहती है फॉल्स, मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल अगर आंसर नहीं है मतलब हर एक कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, किसी किसी कंडीशन में सेटिस्फाई हो सकता है तो वो नहीं चलेगा, हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए तो वही चलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ए वेक्टर आई के प्लस 4j प्लस 2k के, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप बुक में देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वैक्टर आई कैप प्लस 4j प्लस 2k कैप, बी वैक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k कैप, एंड सी वैक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k कैप, फाइंड द वैक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर एंड सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर इज इक्वल टू 15। आपको तीन वैक्टर स्टूडेंट्स गिवन है, ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में कि तीन वेक्टर गिवन है, फाइंड द वैक्टर डी, आपको डी वैक्टर जो है वो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वो आपको फाइंड करना है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, जो डी वैक्टर हैं वो आपके ए वैक्टर के परपेंडिकुलर हैं और आपके पास में बी वैक्टर के भी क्या है परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डी वैक्टर है आपका दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, एंड क्या है एन आपके पास में है कि सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर, ये आपको 15 दे रखा है, है ना स्टूडेंट्स। तो आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है आपको डी वैक्टर, अगर डी वैक्टर फाइंड करना है तो दैट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अपन ने एक डी वेक्टर एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया क्योंकि डी वेक्टर वेक्टर होगा। अब क्या करना है क्वेश्चन पहला कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इन दोनों के वेक्टर आपके पास में हैं तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा जीरो। तो हमने कहा कि अगर इफ डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो हो गया, और डी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आपके पास में एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन था हमें, क्या गिवन था, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, इसका मतलब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपके पास में, वो जीरो के इक्वल हो गया, तो सी डॉट डी को जीरो के इक्वल किया तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन ये है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आपने 1 प्लस 2 को सॉल्व किया तो एक रिलेशन आ गया, है ना, एलिमिनेशन मेथड से 1 और 3 को सॉल्व किया तो एक रिलेशन आ गया। एलिमिनेशन मेथड तो सभी क्लासों में, सब छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। फिर आपने x और z के लिए सॉल्व किया तो z की वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस का 70/3। फिर आपने इसको पुट कर लिया इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ गई दैट इज़ 160/3, है ना। तो आपको सॉल्व करना तो आता है, तीन इक्वेशन को सॉल्व करना तो आई अब सो आता होगा 12th क्लास के स्टूडेंट से। तो आपके पास में पुट इन द वैल्यू ऑफ x एंड y, यू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो डी वेक्टर आ गया एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, दैट्स योर डी वेक्टर, इट्स योर आंसर। तीन इक्वेशन है, दोनों के पेयर बना के सॉल्व करना है और एक बार वापस सॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। नेक्स्ट चलते आपके पास में आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, तो स्केलर, क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रहा हूँ, बुक में से देखेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के विथ द यूनिट वेक्टर अलोंग टू द सम ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सम करना है और उसके अलोंग में यूनिट वेक्टर, मतलब उन दो वेक्टर को सम करने से जो वेक्टर आएगा, वेक्टर का सम तो सभी बच्चे जानते हैं वेक्टर ही होगा, उन दोनों के सम करने से जो वेक्टर आएगा उसके
अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब उन दोनों के सम का जो वेक्टर आएगा उसका आपको क्या लेना है, यूनिट वेक्टर, और फिर उस यूनिट वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है किसके साथ, आपको जो वेक्टर गिवन है आई प्लस जे प्लस के के साथ। समझेंगे कैसे, आपको स्टूडेंट्स ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम करो, इन दोनों के सम से जो वेक्टर आएगा, मतलब लेट इन दोनों का सम आ रहा है डी वेक्टर, तो इस डी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। डी वेक्टर आ गया है, इसका पहले आपको लेना है कैप, है ना, यूनिट वेक्टर बोला है तो डी कैप, तो डी कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, आपके ए वेक्टर के साथ में। ओके, तो आपको लैम्डा क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी वेक्टर निकाला, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर आपका ये 2i प्लस 4j माइनस 5k है और सी वेक्टर आपके पास में लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k है ना। तो आपके पास में सम करेंगे तो i बार ले लेंगे, b आपके पास में आ जाए 6j आ जाएगा माइनस का 2k, तो ये जो आपका डी वेक्टर आ रहा है 2 प्लस लेमडा i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये आपका d वेक्टर आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का कहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 36 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो दैट्स योर जो d कैप आ रहा है दैट इज 2 प्लस लेमडा i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस आपके पास है 4। अब क्या कह रहा था कि आपके डी वेक्टर का ए वेक्टर डी कैप का ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना है आपके पास में, यूनिट वेक्टर है। समझना, क्वेश्चन ये कह रहा था कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के, जिसका नाम है ए वेक्टर का, विद द यूनिट वेक्टर दैट इज अ सम इज इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू 1, इसलिए 1 काम है। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया हमने, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास में वैल्यू पुट कर दी, तो हमने ये देखा कि ये जो कुछ इस तरह की क्वेश्चंस बनी हुई हैं, हमने इसको सॉल्व करते गए, इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया आपके पास में, इसको उधर भेज दिया अपने पास में, और सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, जो कि हमारा क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है दैट्स अ वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा है, आपको डी वेक्टर का कैप निकालना है और उसका ए के साथ में आपको डॉट कराना है और इक्वल टू में 1 रखना है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, इसलिए वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू हो जाएगा और आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कि आपको तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों का, इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, 0 है ना, ये तो गिवन है, परपेंडिकुलर इक्वल मैग्नीट्यूड। शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक पूरा पूरा कंप्लीट वेक्टर है, कौन है, पूरा का पूरा एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक पूरा पूरा कंप्लीट वेक्टर है, उसका नाम हमने रख दिया स्टूडेंट्स डी वेक्टर, आज इक्वली इंक्लाइंड विथ, तो इस पूरे का डी वेक्टर का ए के साथ में एंगल, इसका बी के साथ में एंगल और इसका सी वेक्टर के साथ में एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब ए वेक्टर और डी वेक्टर, मतलब डी वेक्टर में कौन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर का इस डी वेक्टर के साथ में एंगल, बी वेक्टर का इस डी वेक्टर के साथ में एंगल और सी वेक्टर का इस डी वेक्टर के साथ में एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब इन दोनों के ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में कॉस थीटा, बी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में कॉस थीटा और सी वेक्टर और डी वेक्टर, सी वेक्टर और आपके पास में इस डी वेक्टर के बीच में कॉस थीटा, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना स्टूडेंट्स, 0 है। चलो देखते हैं आपके पास में किस तरीके का क्वेश्चन है ये, देखे तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, मैंने एंगल का नाम रख दिया। अब देखो कॉस थीटा 1 निकालेंगे, पहला एंगल निकालते हैं अपन ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू किस तरीके से निकालते हैं, ए डॉट टी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ टी, ए वेक्टर तो ये रहा, डी वेक्टर कौन सा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वैल्यू पुट कर दी ए डॉट ए, ए डॉट टी और आपके ए डॉट बी और ए डॉट सी आपके पास में। तो इस क्वेश्चन ने ये कहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो कितना हो जाएगा, 0, बचेगा कौन, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया। अब अपने पास में अब नीचे क्या है, ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपके पास में ये आ गया। अब देखो एक मैग्नीट्यूड से एक कट गया, बचा कौन, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये आ गया। अब थीटा 1, अब थीटा 2 चलते हैं, बी और डी के बीच में एंगल, ये अपने देखा था ना, बी का डी के साथ में एंगल, एक ए विथ डी, बी विथ डी और सी विथ डी, तो ये अपने पास में वैल्यू पुट कर दी,
है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, बी वेक्टर, बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो, एक से एक कट गया, एक बी अपॉन ये बचा है ना, और ए और बी इक्वल है तो इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, आप ए लिख सकते हो। फिर हमने सी और डी का एंगल निकालना, सी और डी का एंगल निकाला तो सी के साथ में ये डी आ गया आपके पास में, तो अपने पास में हमने कॉस थीटा थ्री निकाला अपने पास में, दैट इज ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जो कि आपके पास में सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, तो सी वेक्टर और डी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी तो अपने बचा कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इस सी से ए कैंसिल हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन ये बचा है, ए सी के भी इक्वल, तो ये भी आपके पास में है, तो हमने ये देखा कि तीनों का जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी वेक्टर है दैट्स मेक इक्वल एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास में आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस, आपके पास में चैप्टर नंबर 10 की, आपके पास में चैप्टर 10 की ये मिसलेनियस थी है ना, चैप्टर 10 वेक्टर है ना, तो आप इसको करें, एमसीक्यू आपके होमवर्क में है इसके, आपको करें, समझ में नहीं आने पर आप इसको देखें, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ ही मिल जाएगी, तो आपको अगर क्वेश्चन वापस देखने भी है तो आप पीडीएफ से वापस देख भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10।